शहर की बदहाल कानून व्यवस्था, नशीले पदार्थों की बेरोक टोक बिक्री और बढ़ते अपराध के विरोध में राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नौजवानों ने गांधी पार्क स्थित गांधी स्टैचू से रवाना होकर एसपी कार्यालय तक नंगे पांव पैदल मार्च निकाला। गांधी पार्क से रवाना होकर भारी गर्मी में युवा नंगे पांव चलते हुए नारेबाजी करते कचहरी परिसर स्थित एसपी कार्यालय पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपा, वार्ता की। नवभारत समाचार बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। बीकानेर में नशे की बिक्री बदसूरत जारी है। एमडी, स्मैक, चरस, गांजा, इनके चलते बीकानेर के नौजवान जिस तरह से अपराध की तरफ उसके पैर उठे हैं। आम नौजवान का जीवन बेहाल हो गया है, परिजनों का जीवन बेहाल हो गया है, और जो अपराध पे लगाम नहीं है, शहर में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। इन तमाम मुद्दों पे महात्मा गांधी की स्टेचू से लेकर एसपी ऑफिस तक हम लोग नौजवान नंगे पैर आए हैं और उनसे मांग की है कि बीकानेर में नशे के अवैध व्यापार पे कड़ी कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर लगाम लगाई जाए। और जिस तरह से शहर में चोरियों पे कोई नियंत्रण नहीं है, पुलिस अधिकारियों कोई जवाबदेही तय नहीं है, अपराध में जिस थाना क्षेत्र में अपराध होता है उसके थाना अधिकारी पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती, इन तमाम मुद्दों को लेकर एसपी से मिले हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे डिमांड मांग की है कि शहर में कानून व्यवस्था सुधारी जाए, चोरियों पे अंकुश लगाया जाए, गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अवैध हथियारों के व्यापार पे लगाम लगाई जाए, और खास तौर से नशे की गिरफ्त में जो नौजवान जकड़ रहा है उस नशे का व्यापार करने वाले लोगों पे लगाम लगाई जाए। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि इस शहर में नशे की खुलेआम बिक्री हो रही है और साधारण नहीं, बहुत गंभीर प्रवृत्ति का जो नशा है, स्मैक है, एमडी है, चरस है, गांजा है, वो खुलेआम बिक रहा है। तो इस पे लगाम लगाने की मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और चेतावनी दी है कि समय रहते इस पे लगाम नहीं लगाई तो बड़ा जन आंदोलन करेंगे।